पार्ले जी, जिम जैम, बॉन बॉन, ये सब बचपन की मेरी यादें हैं। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि इतनी यमी ट्रीट कैसे बनती है। मे बी गॉड मस्ट बी हैविंग सम मैजिकल मशीन और उसमें से ये निकलता होगा। एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि शायद मेरी मम्मी के पास भी ये मशीन हो और मेरे लिए ये बना दे। बट सैड, कभी नहीं मिला। तब से सोचा था कि आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर माई डॉटर। तो आज बनाने वाले हैं एक यम्मी सिंपल सी कुकी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना वनीला डायमंड कुकी। तो शुरू करते हैं बनाना। एक बोल के अंदर सबसे पहले हम लेंगे बटर। अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे 50 ग्राम बटर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कैस्टर शुगर अराउंड 30 ग्राम। इसको करते हैं बीट। इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक बटर और शक्कर अच्छे से मिल जाए और एक अच्छा सा पेल कलर आ जाए। दिस इज एब्सोल्युटली डन। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस, नॉट मोर, जस्ट कपल ऑफ ड्रॉप्स। अब बारी है फ्लावर की। मैंने नॉर्मल आटा लिया है, मैदा। मैदा डालने के बाद अच्छे से इसको एक बार हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, पूरा मैदे का फेशियल मुंह पे आएगा। एंड नाउ इसको अच्छे से एक फोल्ड कर देते हैं। नाउ वी यूज हैंड, इसको अच्छे से बाइंड करेंगे। यू कैन सी दैट नाउ, परफेक्ट। कुकी डो बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम ले लेते हैं एक बटर पेपर पे ताकि शेप बनाने में आसानी रहे। मैं इसको ऐसे प्रेस करती जाऊंगी और एक अच्छा सिलेंडर शेप, आई मीन टू से इट्स लाइक सॉसेज शेप। दिस इज परफेक्टली डन। कुकी डो का सिलेंडर बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम रोल करते हैं ब्राउन शुगर के अंदर, थोड़ी सी ब्राउन शुगर, एंड इसको हम रोल करेंगे थोड़े से साइड्स में भी। दिस इज लुकिंग परफेक्ट। सो इसको अब हमें थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा, सो दैट जब हम बेक करेंगे टेम्परेचर वेरिएशन के लिए वो बहुत अच्छा होगा। ठंडा फ्रिज में से निकलेगा और सीधा गर्म ओवन में, बहुत अच्छी कुकी क्रिस्प बनेगी। इसको कर देती हूँ मैं अच्छे से रोल। तो रख के आते हैं फ्रिज के अंदर। कुकी डो फ्रिज से मैं निकाल के लेके आई और बिल्कुल सेट हो गया है। पर उससे पहले, बिफोर आई कट माई कुकी डो, लेट्स प्री हीट द ओवन, बिकॉज कुकी के लिए मुझे अच्छे से ओवन प्री हीट चाहिए। कुकी के लिए मैं टेम्परेचर रखूंगी अराउंड 160 टू 170 एंड इसको बेक होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे 13 टू 15 मिनट्स। अभी इसके काटते हैं हम अच्छे से राउंडल्स। रखने से पहले एक अच्छा सा राउंड शेप दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज लुकिंग सो लवली, दैट टिनी मिनी ट्रीट। कुकीज इज ऑलवेज टेक्स मी टू माई चाइल्डहुड एंड फॉर मी एनी टाइम इज जस्ट कुकी टाइम। इसको रखते हैं ओवन में एंड वेट करते हैं चाइल्डहुड मैजिक का। जस्ट 15 मिनट की वेटिंग एंड उसके बाद अमेजिंग कुकी रेडी। द स्मेल, माई गॉड, आई जस्ट फील लाइक मैं वापस से 10 साल की बन चुकी हूँ। चलिए कुकीज रेडी है, उसको निकालते हैं। वाओ, ओह माय गॉड, आपने एक चीज नोटिस की इसमें, ये बिल्कुल एगलेस कुकीज है। सो एनी वन कैन मेक इट एंड ये इतनी सिंपल है कि आपके बच्चे भी बना लेंगे। आई टेल यू समथिंग, ये अभी भी गर्म है। चलिए ये कुकी की अच्छी सी प्लेटिंग कर देते हैं। लेते हैं एक प्लेट। तो इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, लिटिल स्प्रिंकलर ऑफ द ब्राउन शुगर।
वाओ, इजंट इट लुकिंग टेम्प्टिंग? सो तैयार है वेनिला डायमंड कुकीज, है ना? एकदम सिंपल। तो आपको अगर मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब।